टू अपग्रेड आज के में आईटी हैदराबाद की तरफ से आने वाली जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आईटी हैदराबाद की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर जॉब वैकेंसी निकाली गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा बी बी और एम टेक, नॉन टेक्निकल डिग्री जैसे बी या एम कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू ये रिक्रूटमेंट ये जॉब वैकेंसी जितनी भी जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही रिक्वायर्ड है एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो ये वैकेंसी आपके लिए है चलिए यहाँ पर हम आई हैदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाकर के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आई हैदराबाद टी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर आई आई टी एच टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आरईसीड ट्वेंटी एट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो चीफ लाइब्रेरी ऑफिसर के लिए एक है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक है टेक्निकल ऑफिसर के लिए चार है सेक्शन ऑफिसर के लिए एक है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए चार जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के दो है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए दो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए नौ है मल्टी स्किल असिस्टेंट ग्रेड वन के लिए टोटल यहाँ पर पोस्ट है थर्टी वन फर्दर नोटिफिकेशन में देखते हैं यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के लिए फर्स्ट क्लास एम ई एम टेक्ट चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम कंट्रोल या इंस्ट्रूमेंटेशन में साथ ही साथ यहाँ पर पाँच साल का आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है बात करें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तो फर्स्ट क्लास एम ई e. टेक रिक्वायर्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में साथ ही पांच साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है अगर आपने टेक्निकल डिग्री नहीं ले रखी है अगर आपने एमएससी कर रखा है एनिमल साइंसेस में या एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में साथ ही आपके पास सात साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तो देख सकते हैं यहाँ पर बी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट फाइव ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की बायमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो फर्स्ट क्लास बी बी टेक रिक्वायर्ड है आपका बायोमेडिकल में इन मैकेिकल या इलेक्ट्रिकल में क्या कंप्यूटर साइंस में इंस्ट्रोमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विथ एटलीस्ट थ्री ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो फर्स्ट क्लास बी बी टे रिक्वायर्ड इन केमिकल इंजीनियरिंग विद थ्री ईयर्स ऑफ नेक्स्ट पोस्ट नेटवर्क वेब सिस्टम क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्ट सिक्योरिटी नेक्स्ट पोस्ट मेटीरियल मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास बीबीटेक एमसीए रिक्वायर्ड है साथ ही साथ यहाँ पर असेंशियल तीन साल का एक्सपीरियंस नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर बी बी टेक रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास तीन साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना मस्ट है बात करें स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है बीस अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का 19 सितंबर 2022 तो आज के वीडियो में इतना ही ऐसे जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय